इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम। कहां है लोकतंत्र, कहां है जमहूरियत, क्या खत्म हो गया है लोकतंत्र? यह सवाल इसलिए भी पूछना पड़ रहा है क्योंकि भूमि पूजन जिस अंदाज में किया गया और वजीर आजम को गोया का अवतार के रूप में पेश किया जा रहा है, ताज्जुब तो इस बात का भी है कि राम के कद से बढ़कर मोदी का कद दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक मखसूस समाज के दुश्मनी में भारत किस दिशा में निकल पड़ा है। भारत पर अंग्रेजों ने हुकूमत की और गुलामी को उस वक्त देश के इल्मी दानिश्वर और खासकर उलमाओं ने महसूस किया और 1857 में जंग आज़ादी की बगावत शुरू हुई। उस वक्त उलमाओं ने खिलाफत तहरीक शुरू की तो 23 नवंबर 1919 को कुल हिंद खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस इजलास के सदर महात्मा गांधी थे। एनी बेसेंट ने अपनी किताब में इस तहरीक का जिक्र करते हुए कहा कि खिलाफत मूवमेंट ने एक तरह से आज़ादी का तूफान भारत में लाया। तारीख को मुख्तसर लफ्जों में बयान करने की वजह से इसलिए भी है क्योंकि अब तारीख का रुख मोड़ने की साजिश जारी है। भारत का सबसे बड़ा अकलियती तबका आज निशाने पर है। इसे अफसोस ही कह सकते हैं जिस कौम के रहनुमाओं ने, कायदों ने अपने घर दार को छोड़कर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, उन्हें कितनी आसानी से बुलाया जा रहा। 2020 में या जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, उसी जमात से देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान किया। भारत के सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने वाले टीपू सुल्तान शहीद को गद्दार साबित करने की कोशिश दिन रात इन्हीं संघी विचारधारा के लोगों की जानिब से की जा रही। जिहाद लफ्ज जिहाद से आज भगवाधारियों को नफरत है, जिहाद काफिरों को मारने के लिए है, ऐसा झूठा प्रोपोगंडा कर मुसलमानों के खिलाफ जमाने से किया जा रहा है। पर वाज़ह रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ इसी लफ्ज जिहाद ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम किया। 1857 में मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में एक तवील अरसा गुजारा। 1921 में मुकम्मल आज़ादी का पहला नारा इसी मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। फजल हक खराबादी भी इसी जंग आज़ादी के सलार रहे। दारुल उलूम देवबंद पर आज जब भारत विरोधी ठहराने की कोशिश की जा रही है तो यही वो देवबंद का मदरसा था जहां से रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई गई थी। अंग्रेजों ने उन खतूत को अपने कब्जे में लिया था क्योंकि रेशमी रुमाल अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक छेड़ी गई। खतूत उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद अल हसन से बरामद किए गए थे। मौली अहमदुल्ला शाह की तारीख मशहूर अंग्रेज तारीखदान गिबी मिल्सन ने लिखा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसा बहादुर शख्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया, इसी को आज भी क्विट इंडिया मूवमेंट और साइमन गो बैक कहा जाता है। पर किन लोगों ने अंग्रेजों के सामने अपना 56 इंच का सीना लिए खड़े थे, इनका जिक्र गोया आज हराम हो चुका है। इसी तरह से प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला जो इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी के पहले सदर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सरहद गांधी भी कहा जाता था, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दोनों भाइयों की कुर्बानियां भी फरामोश नहीं की जा सकती जिन्होंने बरसों जेल में गुजारे। वैसे तो सैकड़ों की फहरिस्त है पर कुछ ही नाम लेना मुनासिब होगा। मुल्क को आज़ादी की जंग में मुसलमानों ने अपना खून पसीना एक किया पर दूसरी ओर नफरत का जहर, नफरत के शोले भी भड़काए जा रहे थे। सभी जानते हैं कि आरएसएस का जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था, लिहाजा आज जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है तारीख गवाह है कि अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से रिहा हुए थे और कुछ संगियों ने अंग्रेजों का खबरी बनना पसंद किया था। माधव सदाशिव गलवालकर ने उस वक्त कहा था जो आज भी किताबों में मौजूद है, महादेव सदाशिव गोलवलकर ने कहा था कि अंग्रेजों से लड़ना फिजूल है, हमें तो मुसलमान ईसाई और कम्युनिस्टों से लड़ना है। इसी तरह से सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का तस्वीर पेश किया था। नथुराम गोडसे जो आजाद भारत का पहला आतंकी कहा जाता है, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल भी इसी मजहबी नफरत का हिस्सा ही रहा। कई ऐसे कई जिन्होंने अंग्रेजों के जासूस बनकर जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को शहीद किया। अब काफ़ी वक्त गुजरा, आज फांसा पलट गया है। धर्म मजहब के आड़ में देश की असल रूह को जख्मी करना ही राष्ट्रवाद कहा जाने लगा है। मरकज
जो हुकूमत इख्तदार पर है, इनके लीडर ने गोया मुसलमान दलित ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा ही खोला है। खासकर मुसलमानों को निशाना बनाना ही अब देशभक्ति बन चुकी है। मरकजी कायद मनमानी बयानात देकर मुस्लिम माशरे को खौफ ज़दा करना चाहते हैं। कोई मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात करता है तो कोई पाकिस्तान का टिकट हाथ में थमाकर पाकिस्तान भेजना चाहता है। कोई मुसलमानों के वोटिंग राइट को ही छीनना चाहता है। कोई भारत में मुसलमानों को अछूत बनाकर रखने की धमकी देता है। कोई तो मुसलमानों के कत्ल आम की भी बात करता है और इस बुनियाद पर करता है क्योंकि भारत के मुगलों ने राज किया है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 6-7 सालों में, खासकर मोदी हुकूमत के दौर में, हर रोज कुछ ना कुछ अकलियती समाज के खिलाफ साजिश चली जा रही है। जहां सैकड़ों मसाइल हैं जिसे देश को तरक्की की राह पर ले जाने में मदद हो सकती है, पर तरक्की की जगह नफरत का काम करना ही मरकजी हुकूमत को ज्यादा अच्छा लगता है। जो आईन संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उसे बदलने की कोशिश जारी है। आवाम धर्म मजहब के नाम पर गुमराह हो रही है। आज फिर मजहबी तशद्दुद की आड़ में सियासी मुफाद हासिल किया जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन से मोदी को अवतार के रूप में पेश करने का गोदी मीडिया बखूबी अंजाम दे रही है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया, जबकि तमाम शिद्दत पसंद लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अहद लिया था कि मस्जिद को कुछ होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई और तब से ही नफरत का खेल खेला जा रहा है। अब फिर से भूमि पूजन के बहाने अवाम को वरगलाने का काम जारी है। संविधान लोकतंत्र का तो अब कुछ बचा ही नहीं। सब जानते हैं कि फैसला कैसे राम मंदिर के हक में दिया गया। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने 12 सितंबर 2007 को राम के वजूद पर ही सवाल उठाए थे। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने यह साफ कहा था कि राम का कोई वजूद नहीं। वाजा रहे कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के दरमियान यह बात कही गई थी। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला देने वाले रंजन गोगोई पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो 5 लोगों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर थी, इन पर दबाव डाला गया कि फैसला राम मंदिर के हक में दे दी। आपको इस बात का भी इल्म जरूरी है के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर असमत रेजी यानी बलात्कार का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट की एक खातून रंजन गोगोई के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, पर कहते हैं ताकत के सामने इंसाफ घुटने टेकता है। औरत के शौहर भाई को नौकरी से निकाल दिया गया और इस खातून को भी नौकरी से निकाला गया, और इसी मुकदमे के चलते ना सिर्फ बचाया गया बल्कि राज्यसभा मेंबर भी रंजन गोगोई को बना दिया गया। खैर, अब किस तरह से संविधान को बचाया जाए? आखिर कहाँ है वो लोग जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क कहते थे? आज जब मनमानी कारोबार चलाया जा रहा है, आखिर वो धर्म निरपेक्ष पार्टियां लीडर्स खामोश क्यों हैं? हर कोई मुसलमानों को धमकी दे रहा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा आदमी कहता है कि भारत में मुसलमानों के हालात म्यांमार जैसी हो सकती है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भूमि पूजन को धर्म की जीत बता रहे हैं। गोदी मीडिया सुबह से शाम मोदी को अवतार साबित करने में लगी हुई है। पत्रकारिता चाटुकारिता कब की बन चुकी है। सत्ता से कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। आज विपक्ष और सत्ता दोनों जगह पर मोदी नजर आ रहे हैं। अवाम बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, किसानों की खुदकुशी पर कोई सवाल करना नहीं चाहता। दूसरी ओर मुसलमानों में कोई लीडर नहीं, सभी पार्टियों को भाजपा ने निगल लिया है। मुसलमान चारों तरफ निशाने पर है और मोदी सरकार के पास सिवाय मुसलमानों से नफरत के कोई एजेंडा नहीं है। मुस्लिम दीनी रहनुमाओं ने मौजूदा हालात पर बयान कर कभी बेदार करने की कोशिश ही नहीं की। दलित का मामला तकरीबन ऐसा ही है। इनके नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर फसाद में इस्तेमाल किया जाता है। मनुवादी सोच फिक्र भारत पर मुकम्मल कब्जा करने की फिराक में है। इस संविधान को खत्म करने का प्लान बन चुका है। अब किसी तरह दलित, मुस्लिम, ओबीसी पिछड़ों को मुत्तहिद होकर फैसिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकना जरूरी होगा, और जो संविधान सभी को मिलजुल कर जीने का हक देता है उसकी हिफाजत करना है। आज अगर हम अलग अलग रहेंगे तो सभी का नंबर आएगा और देश जमहूरी तर्ज अमल पर नहीं मजहबी तशद्दुद की बुनियाद पर चलने लगेगा, जिसमें आगे सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होगा। सभी जानते हैं कि मजहब की बुनियाद पर बने मुल्क किस तरह अराजकता की मिसाल बने। नेपाल भी कभी हिंदू राष्ट्र था, पर अब लोकतंत्र बहाल हुआ है। लिहाजा फिर से संविधान आईन को बचाने की जंग लड़नी है, क्योंकि दुनिया में भारत वाहिद मुल्क है जिसमें सैकड़ों जबानें, मजहब, तहजीब मिलजुल कर रहते हैं, और यही हमारी खूबसूरती है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत के मुसलमानों ने हमेशा देश हित में अपना सब कुछ निछावर किया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसला मैच फिक्सिंग की तरह था, फिर भी नफरत के खेल को खत्म करने के लिए अदालत के इस फैसले पर
सभी मुस्लिम नेता लीडर खामोश रहे, पर मोदी हुकूमत और संघीय विचारधारा के लोग इसे खत्म करना ही नहीं चाहते। भूमि पूजन के बाद यह कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी इन्हें इतना जरूर मालूम है कि नफरत की आग पर ही सियासी रोटी ऐसे की जा सकती है, पर क्या आज मुसलमानों के साथ जो रवैया किया जा रहा है वो मेरा सवाल उन नाम निहाज सेक्युलर लोगों से है, क्या वो ठीक है? और अगर गलत है तो कहाँ है वो नाम निहाज सेक्युलर लोग? अब इन्हें बाहर निकलकर संविधान को बचाने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक सभी धर्म जाति के लोगों को दिया है, इसे बचाना सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि दलितों भी से अकलियती और देश के हर उस सेक्युलर फर्द की जिम्मेदारी है। सबसे अव्वल जिम्मेदारी ऐसा ना हो कि किसी धर्म विशेष से नफरत भारत को अंधेरे में जाने के लिए काफी हो। और वैसे भी क्या तमाम मजाहिब के लोगों ने इसलिए अंग्रेजों से जंग आज़ादी लड़ी थी ताकि अंग्रेजों के जासूस आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछने लगे? जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की आज उन्हें हुब्बुल वतनी की दलील देनी होगी? आखिर सैकड़ों मुसलमानों ने इसलिए अपनी जानों की कुर्बानी दी ताकि आगे चलकर इनसे देशद्रोही जैसा बर्ताव किया जाए? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, पर फिर भी कहते हैं कुछ हमसे ये अहले चमन, यह चमन हमारा तुम्हारा नहीं। बात तो और भी आगे बढ़ चुकी है। यह नारसी सीए जैसे कानून लाकर भारत के मुसलमानों को ही देश से बाहर निकालने की साजिश रंगा बिल्ला की जानिब से चली जा रही है। हर रोज नई साजिशें, नए कानून, नए जाब्ते, तमाम के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही है। मुसलमान गोया एक मजलूम बेबस कौम बनकर रह चुकी है। हमारी शानदार तारीख सबसे बदतरीन पहलू अगर कोई है तो आज का मुसलमान। कुछ मुट्ठी भर मनुवादी बहुजन समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर दहशत गर्द की तस्वीर बनाई जा रही है। मुगलों ने हिंदुओं पर जुल्म किया था इसलिए हम बदला लेंगे, जैसे बयाना जानबूझकर माहौल बनाने के लिए दे जा रहे, जबकि सच्चाई यही है कि भारत जो बिखरा हुआ था उसे जोड़ने का काम मुगल बादशाहों ने किया। भारत इससे पहले छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। शेरशाह सूरी जैसे बादशाहों ने सड़कें बनाकर शहरों को जोड़ने का काम किया। मुगलों ने जदीद टेक्नोलॉजी दी। डाक पुलिस का निजाम मुगलों ने ही तो दिया। वैसे भी भारत उस वक्त पिछड़ा था क्योंकि मुगल ईरान फारस से आते थे और उस वक्त काफी वो तरक्की याफ्ता मुल्क हुआ करते थे। खैर, भूमि पूजन के जरिए भगवान राम से बड़ा मोदी को साबित किया जा रहा है और तमाम मीडिया मोदी को अवतार साबित करने पर तुलिए। देश की जनता, क्या भारत को पहले वाला गंगा जमुनी तहजीब वाला देश फिर से बनाएंगे? क्या फिर से ईद दिवाली मिलकर मनाई जाएगी या संविधान लोकतंत्र को खत्म कर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।